कोवेलेंट बॉन्ड हर डायरेक्शन में नहीं बनती, प्रॉपर डायरेक्शन में बन सकती है, मगर इम्प्रॉपर डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन में ये बन नहीं सकती। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज कॉल्ड डायरेक्शनल बॉन्ड। Assalamu alaikum. I'm your chemistry instructor, Abdul Muhammad, and today we will start with another topic, and that is chemical bonding. Chemical bonding, we are studying the types of chemical bonding or types of chemical bonding. We have studied ionic bond. Today we are discussing the second type of chemical bond, which is called the covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड को हम आज क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। साथ दीजिएगा, साथ रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डिफाइन द कोवेलेंट बॉन्ड। अ केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। ये किन के बीच होती है? ये एटमों के बीच होती है, याद रखिए। इनके कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए? एटम्स। A chemical bond formed between two atoms by mutual sharing of electron. By what? ये बहुत जरूरी वर्ड है, by mutual sharing of electron. Such chemical bond is called covalent bond. Covalent chemical bond. A chemical bond which is formed by the mutual sharing of electron between two atoms is called as covalent bond. Why it is called covalent bond? हम इसे covalent bond क्यों बोलते? Co mean mutual, between two. Valent mean valency, bonding. मतलब इनकी mutual bonding होगी, covalent bonding होगी, दोनों का इश्तराक होगा, बहमी इश्तराक, covalent. बाहमी इश्तराक से बनने वाला बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सो अ केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड को हम समझते हैं डायग्रामेटिकली, हाउ कुड वी एग्जाम्पलीफाई इट, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। सपोज कर लें हमारे पास आ रही है दो हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, और ये दोनों हाइड्रोजन एटम अपने क्या कर लेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर लेंगे, इसे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। अगर आप लोगों को याद हो आयनिक बॉन्डिंग, हमने पिछला चैप्टर हमारा, लेक्चर हमारा हुआ था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें आप लोगों ने मैंने पढ़ाया था आप लोगों को आयनिक बॉन्ड। वहां पर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आयनिक बॉन्ड जो बन रही थी वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रही थी, एक की तरफ से, मेटल की तरफ से कंप्लीट ट्रांसफर हो रही थी। बट यहां पर क्या, म्यूचुअल शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल्स। ये दोनों नॉन मेटल क्या कर रही है, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर रही है, और इस म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है इनके बीच दिस इज वन हाइड्रोजन एंड दिस वन इज द अदर हाइड्रोजन एंड दीज टू हाइड्रोजन फॉर्म व्हाट, फॉर्म बॉन्ड by mutual sharing, such bond is called
covalent bond, covalent bond. अब ये बॉन्ड सिमिलर एटमों के बीच भी हो सकती है, डिफरेंट एटम भी हम उठा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम उठाए क्या हाइड्रोजन किसके साथ, एचएफ के साथ, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, तो ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों म्यूचुअली शेयरिंग कर लेंगी और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगी और अपना डुबलेट पूरा कर लेगी. हाइड्रोजन अपना डुबलेट पूरा कर लेगी और फ्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगी. आप चेक कर सकते हैं फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. आप लोग चेक कर सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को खोल के आप लोग चेक कर सकते हैं. 1s2, 2s2, 2p5. तो आखिरी शेल में चेक कर ले 2s2, 2p5, 7 इलेक्ट्रॉन आ रही है. तो ये देखिए 7 आ रही है, उसके साथ को मैंने मेंशन किया हुआ है लोन पेयर की शक्ल में, ध्यान दीजिएगा. अब ये क्या कर जाएंगी, ये इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर जाएगी, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगी इसको फ्लोरीन को, ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगी और इस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा किन के बीच, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड द व्हाट, द कोवेलेंट बॉन्ड. दैट बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते भैया, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. सुन भैया यहां पर कुछ लड़के फिर सोच रहे होंगे कि सर आपने हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ होने चाहिए, वो बात की बात है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, लीव इट. सिर्फ क्या हमने क्या करना है, हमने सिर्फ मैकेनिज्म बताना है. इसे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग. म्यूचुअल शेयरिंग से मुराद है कोवेलेंसी, इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयर कर देना. दिस इज कॉल्ड कोवेलेंसी आर म्यूचुअल शेयरिंग. म्यूचुअल शेयरिंग या कोवेलेंसी बोलते हैं. और ये जो बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, द कोवेलेंट बॉन्ड. इस बॉन्ड को हम क्या बोलते भैया, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट. चाहे वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बना और चाहे वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बना, सच बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. यदा क्लियर होगी भैया, यहां तक सही. प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज काइंडली फोकस कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सबके लिए इक्वलेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंस रखती है, चाहे वो एंट्री के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एफएससी के स्टूडेंट हैं, चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, चाहे एडवांस के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंस रखती है. तवज्जो फरमाइए, प्रॉपर्टी नंबर वन, द फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स. ये किन के बीच बनती है, ये नॉन मेटल्स के बीच बनती हैं. आप चेक कर लें, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, इनके बीच बना, तो नॉन मेटल विद नॉन मेटल और नॉन मेटल के नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनती है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल विद नॉन मेटल इज व्हाट, इज कोवेलेंट बॉन्ड. सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द नॉन मेटल्स. नेक्स्ट, अगले हमारे पास आ रही है, ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, बाय व्हाट, बाय फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर क्या होगी, यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी. नेक्स्ट, अगला पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल भी हो सकती है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी आ सकती है, कोवेलेंट बॉन्ड डबल भी हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकती है, बट ट्रिपल से ज्यादा नहीं हो सकती. एक दो एटम्स के बीच,
मैं बात कर रहा हूं दो एटमों की, दो एटमों के बीच, ये एक एटम है ये दूसरा एटम है, दो एटमों के बीच या तो सिंगल बॉन्ड होगा कोवलेंट बॉन्ड, या तो वो कोवलेंट बॉन्ड क्या हो सकती है डबल हो सकती है, या तो कोवलेंट बॉन्ड क्या हो सकती है ट्रिपल हो सकती है। मतलब आपके पास क्या रहनी चाहिए, ये या तो सिंगल बॉन्ड हो सकती है, या तो डबल हो सकती है, या फिर ट्रिपल हो सकती है। दो एटमों के बीच याद रखिए तीन बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अक्सर स्टूडेंट पूछते रहते हैं, इस पर भी मैं आप लोगों को एक बेहतरीन रीजन दूंगा दो रीजन के साथ इंशाल्लाह, ठीक है जी। बहरहाल आप लोग फिलहाल ये फोकस कीजिए दो एटमों के बीच बॉन्ड्स की तादाद कितनी हो सकती है। मैक्सिमम बॉन्ड इज व्हाट, बॉन्ड ऑर्डर इज थ्री, तीन से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं हो सकता। दो एटमों के बीच कभी भी तीन बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकती। तो ये या तो सिंगल हो सकती है, या फिर डबल हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है ट्रिपल हो सकती है। अगला पॉइंट कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं क्या मॉलिक्यूल्स, क्या बनाते भैया, कोवलेंट बॉन्ड से बनती है मॉलिक्यूल्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड, जितने भी मॉलिक्यूल है HCl है HF है H2 है H2O है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड CH4 आपके पास CCl4 आप लोगों के पास H2SO4 आपके पास C6H12O6 सुक्रोज वगैरह जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूल ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड, तमाम तो मॉलिक्यूल क्या होंगे कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे। अगला पॉइंट कोवलेंट बॉन्ड बनती है, कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा टाइप भी होती है, कोवलेंट बॉन्ड में भी इट इज सिग्मा टाइप, ये सिग्मा बॉन्ड हो सकती है। व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये हो सकते हैं क्या पाई बॉन्ड, या तो ये किस में हो सकती है पाई बॉन्ड की सूरत में हो सकती है। याद रखिए कोवलेंट बॉन्ड दो अकसाम की होती है सिग्मा और पाई, डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में व्हाट इज सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज पाई कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है, क्या होती है भैया एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं। हाफ फिल्ड कौन से ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगी ओवरलैप करेंगी, यहां पर होती है ओवरलैपिंग। और याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी ओवरलैपिंग के बगैर नहीं हो सकता, ये याद रखना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या वर्ड जरूरी है, ओवरलैपिंग वर्ड जरूरी है, ये याद रखिएगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या जरूरी है ओवरलैपिंग, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है बजरिए ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कैसे होती है ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स यहां पर सोच रहे होंगे कि सर व्हाट डज मीन बाय ओवरलैपिंग, तो मैं यहां पर बना रहा हूं, लेट्स सपोज दिस इज पीएक्स ऑर्बिटल, दिस इज अ पीएक्स ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड दिस इज द एस ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड एटम, दो एटम आपस में आ रही मिलने जा रही, ये भी हाफ फील्ड है और ये भी क्या है हाफ फील्ड है, ये एस ऑर्बिटल है और ये पी एक्स है, ये एक एटम है सपोज कर ले, ये दूसरा एटम है। अब ये जब आपस में आ रही है मिल रही है तो इनको मिलने के लिए क्या शर्त है, इनके लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप करना लाजमी है, किस बॉन्ड के लिए कोवलेंट बॉन्ड के लिए, कैसे होती है ये जो आपके पास हो गई है दिस रीजन इज कॉल्ड ओवरलैप्ड एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ओवरलैप्ड एरिया, इसे हम बोलते हैं ओवरलैप्ड रीजन ओवरलैप्ड एरिया।
कि यहां पर क्या हो गई, दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर क्या हो गई है, ओवरलैप कर गई है, पेनिट्रेट कर गई है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग के जरिए ही क्या हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे यहां से, एक, यहां से कितनी आ रही थी, एक, क्या बनेगा, ये देखिए बॉन्ड बन गई, शेयरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन आ गए और ओवरलैपिंग की मदद से काम हो गई। तो मतलब और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी मदद से होती है, ओवरलैपिंग की मदद से होती है, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। एक दूसरे के अंदर गुल मिल जाना, ओवरलैप कर जाना, पेनिट्रेट कर जाना, घुस जाना, ठीक है भैया। अच्छा, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करती है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, हमेशा याद रखिए हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से। कौन सा ऑर्बिटल होनी चाहिए, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल हिस्सा लेती है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से मुराद है ऐसा ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, है ना। एक ऑर्बिटल हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, क्वांटम नंबर में, कि एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन ले रख सकती है, मैक्सिमम 2, और अगर ये 2 रख रही है तो फुल फिल्ड है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एम्प्टी है, और अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, तो क्या भैया, हाफ फिल्ड। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड हाफ फिल्ड। और याद रखिए कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी ऑलवेज रिक्वायर्ड व्हाट, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल भैया, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी याद रखिए। मतलब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगी, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगी और एक क्या बनाएगी, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी, सही है भैया, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगी और एक केमिकल बॉन्ड बनाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी। A single covalent bond is formed by what? By overlapping of 2 half-filled orbital. Single covalent bond is formed by overlapping of 2 half filled orbitals. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड ने बनना है तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल को आना होगा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को आना होगा, एक एक एटम से, दूसरा दूसरे एटम से, क्या बनाएंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनना था, डबल डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, तो कितने एटमों ने आना है, 2 एटमों ने आना है, 4 ऑर्बिटल ने आना है, 2 एटम तो आएंगे मगर उनके ऑर्बिटल कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल, 2 एक एटम से, 2 दो एक एटम से, 2 दूसरे एटम से, तो कितनी टोटल ऑर्बिटल आएंगी, 4 टोटल ऑर्बिटल आएगी और क्या बनाएगी, ये बनाएगी डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बनाएगी भैया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ 4 ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल भैया, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आती है डबल बॉन्ड बनाती है। और अगर 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ रही, 3 एक एटम से, 3 एक एटम से और 3 दूसरे एटम से, अगर ये 3 मतलब 6 ऑर्बिटल आ रही है तो कितने बॉन्ड बन रही है, ट्रिपल बॉन्ड बन रही है। तो लिखिए ट्रिपल बॉन्ड is formed by what? By overlapping of 6 atomic orbitals. 6
हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 6 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगी और क्या बनाएगी, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी। क्लियर यहां तक भैया? नेक्स्ट याद रखिए भैया, कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है भैया? कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। कोवलेंट बॉन्ड इज व्हाट भैया? कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। और डायरेक्शनल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन आइसोट्रॉपिक। What does mean by anisotropic? Anisotropic से मुराद है, एन से मुराद है नन, एन से क्या मुराद है नन, आइसो मीन सेम, ट्रॉपिक मीन इन ऑल डायरेक्शन। मीन मुकम्मल वर्ड अगर हम मिलाते तो ये बनती है नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। एन आइसो नॉट सेम ट्रॉपिक इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में सेम ना हो, नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में सेम नहीं बनती। कोवलेंट बॉन्ड याद रखे, कोवलेंट बॉन्ड हर डायरेक्शन में सेम ताकत के साथ नहीं बनती, या ये हर सिम में बनती ही नहीं है, इसके लिए खास सिम चाहिए होता है। ये डायरेक्शनल है, इसे बोलते हैं डायरेक्शनल, ये खास सिम में बनती है, ये हर डायरेक्शन में नहीं बनती। एन आइसोट्रॉपिक हर डायरेक्शन में नहीं बनती, नॉट क्या भैया डायरेक्शनल है ये, मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। कैसे डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, मैं अभी डायग्राम के जरिए भी समझाऊंगा, जरा तवज्जो फरमाइए। अगर पीएक्स आ रही पीएक्स के साथ तो बॉन्ड बन सकता है, याद रखिए, वन पीएक्स ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड पीएक्स ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम, पीएक्स विद पीएक्स बॉन्ड बन सकती है। मगर याद रखिए, एक px आ रही है अगले एटम से py आ रही है, ये इसका डायरेक्शन है और ये इसका डायरेक्शन है, तो याद रखिए इनके बीच कभी बॉन्ड नहीं बन सकता, इनके बीच कभी बॉन्ड नहीं बन सकता। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट व्हाट दैट कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मीन एन आइसोट्रॉपिक। क्या भैया? एन आइसो ट्रॉपिक है, एन आइसोट्रॉपिक से मुराद है नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। सब सुने, होगी बात? चले अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, हाउ इट इज डायरेक्शनल या व्हाई कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। ध्यान दीजिएगा, कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, चेक कर लें। इफ px is coming toward px, if px is coming toward p, what toward px, then they can form the what, the bond, yes bond ban sakti, mutual sharing ho sakti hai, covalent bond ban sakti hai, overlapping ho sakti hai, ओवरलैपिंग पॉसिबल है, क्योंकि ओवरलैपिंग के लिए क्या शर्त है, ओवरलैपिंग के लिए शर्त है डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन। अगर पीवाई आ रही है किसके साथ, पीवाई के साथ, अगर पीवाई आ रही है किसके किसके साथ, पीवाई के साथ, तो पीवाई पीवाई के साथ शेयरिंग कर सकती है, फिर चाहे वो हेड टू हेड मिल रही हो या आपके पास साइड वाइज मिल रही हो, तो ये आपस में ओवरलैप कर सकती है। दिस इज वन पी वाई, दिस इज अनदर पी वाई।
यहां से बॉन्ड बन सकती है, चेक कर ले आप लोग, यहां से बिल्कुल इनकी ओवरलैपिंग बिल्कुल हो सकती है। कैसे ओवरलैपिंग हो जाएगी, यहां से ओवरलैपिंग हो जाएगी कुछ यूं, यहां से ओवरलैपिंग हो जाएगी कुछ यूं, ओवरलैपिंग हो जाएगी, चेक कर ले, ध्यान दीजिएगा भैया, ये ओवरलैपिंग है। हाँ, अब अगर इनकी डायरेक्शन डिफरेंट, लेट सपोज पीएक्स आ रही है किसके पास, लेट सपोज अगर पीएक्स आ रही है, ये पीएक्स आ रही है और ये क्या आ रही है, लेट सपोज पीवाई आ रही है, पीएक्स आ रही है किसके पास, पीएक्स आ रही है पीवाई के पास, आप चेक कर ले जरा, पीएक्स आ रही है किसके पास, पीवाई के पास, तो इनकी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती क्योंकि इसकी जो लोब्स हैं वो मिल रही है किसके साथ, नोड के साथ, और इनकी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती क्योंकि नोड जो है, नोड ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, इस वजह से हम बोलेंगे नो ओवरलैपिंग मीन नो बॉन्ड, नो ओवरलैपिंग मीन नो बॉन्ड, नो ओवरलैपिंग मीन व्हाट, नो बॉन्ड मतलब यहां पर बॉन्ड नहीं हो बन सकती। इससे मुराद है कि याद रखें कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं है, आयनिक बॉन्ड हर डायरेक्शन से बनती थी, हर डायरेक्शन से बनती थी और सेम ताकत के साथ बनती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड हर डायरेक्शन में नहीं बनती, प्रॉपर डायरेक्शन में बन सकती है मगर इम्प्रॉपर डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन में ये बन नहीं सकती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज कॉल्ड डायरेक्शनल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, डायरेक्शनल डिपेंडेंट है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है, डायरेक्शनल इन नेचर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन आइसोट्रॉपी, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज एन आइसोट्रॉपी या एन आइसोट्रॉपिज्म या एन आइसोट्रॉपिक नेचर। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज एन आइसोट्रॉपिक, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है भैया, एन आइसोट्रॉपिक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज, याद रहे कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह की होती है, एक होती है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक होती है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। याद रहे कोवेलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप, वन इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड वन इज व्हाट, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। चले जी, व्हाट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। छोटे भैया, व्हाट इज पोल नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास अ कोवेलेंट बॉन्ड where the electronegativity difference, where the electronegativity difference, जहां पर electronegativity में फर्क दो एटमों के बीच, where the electronegativity difference is what, is from 0 to what, 0.5, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो, 0 से लेकर 0.5 के बीच में हो, इतनी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस आती हो, सच बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं भैया, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अक्सर हम कहते हैं कि ये किस में होती है, होमो एटम्स में होती है, होमो एटॉमिक बॉन्ड है,
होमो एटॉमिक बॉन्ड होती है, बट जरूरी नहीं है कि हम होमो एटॉमिक हो। सम एग्जांपल ऐसे हैं जो वहां पर हेट्रो एटम्स भी आती हों, हेट्रो एटम्स भी आ सकती हैं, हेट्रो एटम्स, हेट्रो एटॉमिक भी हो सकती हैं। ठीक है जी, अमूमन हम होमो एटम्स की बात करते हैं, बट जरूरी नहीं है, हेट्रो एटम में भी ये हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं होमो एटम की बात करूं तो तमाम तरह होमो एटमों में जो आ रही है, दिस बॉन्ड इज व्हाट, दिस बॉन्ड इज टोटली नॉन पोलर, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तकरीबन बराबर है, 2.1 और 2.1, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ रही है, जीरो में आ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ताकत में फर्क कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। जब जीरो फर्क आ रहा हो, जीरो फर्क, फर्क मैं फर्क की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा है, फर्क की बात कर रहा हूं, अगर फर्क इनका जीरो आ रहा हो तो ये क्या है, नॉन पोलर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द व्हाट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 2.1 माइनस 2.1, द आंसर इज व्हाट, द आंसर इज जीरो। कितना डिफरेंस आया, जीरो। तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो वो क्या है, वो प्योरली नॉन पोलर है। प्योरली क्या है भैया, नॉन पोलर है। हाँ, जरूरी नहीं है कि हम होमो एटम, एट्रो भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मीथेन की बात करते हो, मीथेन में क्या है, CH4 है। अगर आप इन बॉन्ड्स की बात करते हो, इन बॉन्ड्स की, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी नॉन पोलर है, हालांकि लड़के के तसरे तो हेट्रो एटम है, डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करती। जरूरी नहीं है ये चीज कि खाम खा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए होमो एटम्स हो, नो, हेट्रो एटम भी आ सकती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल CH4, मतलब अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन की आती है। तो यहाँ पर अब क्या कर सकते हो, जब मैं इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालता हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रही है, कार्बन की आ रही है 2.5 और हाइड्रोजन की आ रही है 2.1। जब डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस हमारे पास आती है 0.4। क्या रहती है भैया, 0.4। आप चेक कर लिया ना कि ये डिफरेंट एटम है, हेट्रो एटम है, ये बिल्कुल सिमिलर एटम नहीं है, ये डिसिमिलर एटम है, डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एटम है, मगर इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ रही है, 0.5 के अंदर वाले रेंज में आ रही है। सच बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, सच बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है भैया? अच्छा, और हम पोलर बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड हम कैसे समझ सकते हैं, व्हाट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड आती है अकोवलेंट बॉन्ड, अकोवलेंट बॉन्ड, अकोवलेंट बॉन्ड वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज from 0.5 to 1.7 रेंज। क्योंकि अगर 1.7 से हम ऊपर चले जाएंगे तो आयनिक बन जाएगा, याद रखिए 1.7 रेंज। कुछ बुक्स 2 लिखती हैं, कुछ बुक 1.7 लिखती हैं, डज नॉट मैटर, ये इतनी बड़ी लाइन नहीं है कि अगर आप इस तरह हो गए तो ख़त्म, इस तरफ हो गए तो ख़त्म, नो, रेंजेस आ रही है। कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें मसला हो रहा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बट फेयर है, चलता है। A covalent bond where electronegativity difference is 0.5 to what? 1.7. 0.5 से लेकर 1.7 तक के रेंज तक अगर हो तो that covalent bond is called polar covalent bond. उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, covalent bond बोलते हैं, मगर कौन सा covalent? Polar covalent. इनकी एग्जाम्पल हमारे पास आती है, अमूमन ये हेट्रो एटम्स के बीच होती है। ये किन के बीच होती है? हेट्रो एटम्स के बीच, कभी होमो के बीच नहीं हो सकती। हमेशा क्या होनी चाहिए? हेट्रो एटम होनी चाहिए। अगर ये बॉन्ड मौजूद होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आ रही है, लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट द HCl। अगर हम HCl की बात करें, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की बात करें, तो ये बॉन्ड आपके पास तकरीबन क्या रही होती है, दिस बॉन्ड्स आर the polar covalent bond। इन पर क्या होती है, इन पर आप लोगों को खामखा क्या लिखना होगा, slightly negative
स्लाइटली पॉजिटिव या पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, यहाँ पर आपको लिखना होगा पार्शली नेगेटिव और यहाँ पर आपको लिखना होगा पार्शली पॉजिटिव। ये पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव हम क्यों देते हैं, क्योंकि जिस एटम का ताकत ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैं लिखवाऊंगा कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, 3। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 3.5। जब हम इनकी डिफरेंसेस निकालते हैं HCl की, HCl में क्या आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर मैं देखूं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी है, बड़ी माइनस छोटी, सिंपल है, बड़ी माइनस छोटी, बड़ी माइनस छोटी। क्लोरीन की आ रही है 3 आ रही होती है किसकी, क्लोरीन की। और हाइड्रोजन की कितनी आ रही होती है 2.1। जब इसका आप डिफरेंस निकालते हो तो डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, 0.9, कितने का डिफरेंस आ रहा है, और 0.9 रेंज चेक कर ले, 0.9 रेंज क्या है, 0.5 से ऊपर है या नहीं है। यस, ये क्या आ रही भैया, ये 0.5 से ऊपर आ रही है। तो जब 0.5 से ऊपर आ रही है और 1.7 से नीचे आ रही है, इस रेंज में जो वैल्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की आएगी वो तमाम के तमाम बॉन्ड क्या कहलाएंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर, ताकतवर एटम पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज, और कमजोर एटम पर, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर यहां तक, यस। अब लास्ट में लिखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल, मगर एग्जांपल पर जाने से पहले लास्ट पॉइंट लिखवाऊंगा, ये लास्ट पॉइंट भी लिख लें, ये भी जरूरी है। याद रखिए कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो होती हैं इनके मास को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। याद रखिए कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के मास को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, द मास ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। इसका जो मास होगा वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास, मोलर नहीं, मॉलिक्यूलर मास, द मास ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी। और इनकी एग्जांपल आपके पास क्या आ रही, मुख्तलिफ एग्जांपल है आप लोग, मुख्तलिफ आती है आप लोगों के पास, बस सिर्फ ये आप लोगों ने एहतियात करना है कि दोनों क्या हो, नॉन मेटल हो। क्या हो भैया, नॉन मेटल, फॉर एग्जाम्पल एच सी एल नॉन मेटल है कि नहीं है, एच बी नॉन मेटल, सीएल भी नॉन मेटल। तो नॉन मेटल, जब नॉन मेटल पी ब्लॉक वाले क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। एच टू नॉन मेटल विद नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। एच टू ओ, एच टू ओ कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ओ टू ओजोन, ओ थ्री क्या रही है, कोवेलेंट बॉन्ड आ रही है। H2SO4 चाहे फिर सिमिलर नॉन मेटल हो या डिससिमिलर नॉन मेटल हो, इनके बीच क्या होती है, इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड ही होती है, फिर चाहे वो सिमिलर नॉन मेटल हो या डिससिमिलर नॉन मेटल हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, सुक्रोज आती है, ग्लूकोज आती है, C6H12O6 ATC मुख्तलिफ सारी। बट आप लोगों ने ये एहतियात करना है कि क्या हो, नॉन मेटल विद नॉन मेटल वाला कंपाउंड, और नॉन मेटल वाला जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल होता है उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। और उसके बीच क्या होती है, खामखा उन एटमों के बीच, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी डिस्कशन समझ आ चुकी होगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, देन मूव करते हैं फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा चैनल काफ़ी वक्तों से मोनेटाइज था, मगर मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया था, सदा वक्तों से मैंने इसको इतना सीरियस नहीं लिया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो वेरिफिकेशन कोड भी आ गई गूगल एडसेंस अकाउंट की, तो आप लोगों की वजह से ही ये सब कुछ हुआ, आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से, आप लोगों के रिस्पांस की वजह से। काइंडली मेरे लेक्चर्स को शेयर करते जाएं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने लोगों के साथ, जितने भी आप लोगों के अपने हैं उनके साथ शेयर करते चले जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा पामान।